using the method of successive approximation solve the following integral equation. हमें किसका use करना है? Successive approximation method का. कभी कभी इसमें तीन पद ज्ञात करने होते हैं तो हम तीन पद ज्ञात कर लेते हैं, परंतु अब की बार इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है तो इसके सभी स्टेप ज्ञात करके इसके सॉल्यूशन हम प्राप्त करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग करनी है गिवन इक्वेशन की, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन विथ फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ऑफ सेकंड काइंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन होती है सेकंड काइंड होती है, क्योंकि बाकी दो इससे निर्मित हो सकती है. अर्थात वो सेकंड काइंड इक्वेशन क्या होती है? जी ओलक्स बराबर होता है एफ ओलक्स. ये इक्वेशन है फ्रीडोलम सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन होती है. इससे भी यहाँ पे क्या होगा कि होलक्स डेस टी जी होल टी डी टी, ये होती है फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. अब बात करते हैं वी हैव, तब हमें प्राप्त हो जाता है क्या? वे हैव क्या मिल जाता है कि एफ होलक्स बराबर क्या मिल जाता है? एफ होलक्स बराबर कंपेयरिंग करने पर एफ होलक्स बराबर क्या है? एक. इसी प्रकार लैम्डा बराबर, लैम्डा यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है? एक है. ठीक है, बात करते हैं क्यों लक्ष डेस टी की, तो क्यों लक्ष डेस टी बराबर भी क्या है? एक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों लक्ष डेस टी यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर क्या जी ओ टी डी टी और सेम टू सेम है, तो ये हमें स्टेप मिल जाते हैं, इसलिए स्टेप को कह देते हैं क्वेश्चन नंबर टू. अब क्या करते हैं कि द एन टी एच, एन टी एच ऑर्डर तक हमने क्या याद करेगा? अप्रोक्सीमेटेशन याद करेंगे ऑर्डर तक, अप्रोक्सीमेटेशन मेटेशन मेटेशन इज गिवन गिवन फॉर्मूले से. पहले कि हमें एक अप्रोक्सीमेटेशन जी नोट होलक्स दे रखा है, जी नोट होलक्स का मान क्या है? सुनने है, ये हमें क्या है? गिवन है, दिया गया है. वह एन टी एच अप्रोक्सीमेटेशन की बात करें तो वो किस प्रकार से याद करें? तो इसके लिए जी एन ओलक्स बराबर होता है एफ ओलक्स फॉर्मूला लैम्डा माकलन ए से बी के होल एक्स डेस टी जी होल टी जी जी होल की एन माइनस एक. ये एन माइनस एक होगा, यहाँ पर जी एन होगा तो ये जी एन होल माइनस एन माइनस एक टी होगा डी टी. ये फॉर्मूला होता है. इससे अधिक अब पहला अप्रोक्सीमेटेशन हमें गिवन है तो हम यह अब एन बराबर एक पुट करके जी वन अगला वाला ज्ञात कर लेते हैं वी हैव, तब हमें प्राप्त होता है वी हैव, वी हैव हैव पुटिंग एन बराबर क्या? पुटिंग एन बराबर एक पुट करते थे एन बराबर एक जी वन होलक से बराबर एफ होलक्स पॉजिटिव लैम्डा समाकलन ए से बी के होल एक्स डेस टी जी एन बराबर एक पुट किया तो जी नोट होल टी डी टी. अब क्या कहते हैं कि इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब डेटा एफ होलक्स की वैल्यू क्या है? एक. पॉजिटिव लैम्डा की वैल्यू एक है. ए से बी का मान क्या है? ए से बी का मान, ए से बी का मान जीरो से एक्स है दी गई इक्वेशन में, जीरो से एक्स है ए का बी का मान. ठीक है, केवल एक्स डेस टी का मान एक है इसलिए जी नोट होल टी का मान शून्य है, एक शून्य है. ठीक है, डी टी क्योंकि गिवन है जी नोट होल टी बराबर जीरो, ये हमें दिया गया था. ठीक है, ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो क्या हुआ? अप्लाई डेट जी वन होलक्स बराबर एक आ जाएगा, क्योंकि इस वाला जीरो होने का नहीं, सारा पद जीरो हो जाएगा. स्टे जीरो जी वन होलक्स बराबर क्या गया? एक. इसी समय के नंबर हम फोर. अब क्या करते हैं, जी वन हमें प्राप्त हो जाता है. अब जी टू ज्ञात करने के लिए एन बराबर टू पुट कर देंगे, तो एन बराबर टू पुट करते हैं जी टू होलक्स बराबर एफ होलक्स पॉजिटिव लैम्डा समाकलन ए से बी के होलक्स डेस टी पॉजिटिव जी
n माइनस का ही का था एक वाले t dt ये फॉर्मूला मैं पुट कर दिया यहाँ पर मान पुट कर देगी g टू f लक्स का मान एक पॉजिटिव लैम्डा का मान एक समाकलन ए से बी की ओर लक्स डिस्टी का मान एक g1 होल t का मान क्या है एक अतः एक एक और dt ठीक है इस प्रकार से तब इसे सॉल्यूशन किया जाए तो समाकलन ए से बी dt हो जाता है अब इसका समाकलन करें तो एक पॉजिटिव टी वो जो लिमिट होती है वो क्या है हमारे पास है जीरो से एक्स है बता दें दी गई समीकरण में हमारे पास लिमिट है वो जीरो से एक्स है जीरो से एक्स है वो हमने पुट कर दी इन पर ठीक है जीरो से एक्स टी डी टी ठीक डी टी ये लिमिट है अब क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव यहाँ पर टी आ जाएगा और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी जीरो से एक्स है बराबर क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव एक्स जी टू अलग इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर ये कौन सा समीकरण नंबर था फोर ये फाइव ठीक है अब बात कर लेते हैं जी थ्री अब क्या करते हैं थ्री पुट करते हैं इस इक्वेशन में जो है एंटी एच अप्रोक्सीमेटेशन ज्ञात करना है इसमें हम क्या करेंगे थ्री पुट कर देंगे जी थ्री ओलक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ ओलक्स से पॉजिटिव लैम्डा समाकलन ए से बी थ्री पुट कर रहे हैं तो एक एक्स डैश टी यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस का दिया था थ्री माइनस का वन बराबर टू होल टी डी टी ये हो गया ठीक है अब क्या करते हैं इनकी लिमिट एफ ओल एक्स की एक है इसका मान एक है समाकलन जीरो से ए से बी का मान ए का मान जीरो बी का एक्स दी गई समीकरण के अनुसार केवल एक्स डैश टी का मान एक है और इसका जी टू होल टी का अब जी टू होल टी पूछा है तो यहाँ पर हमें क्या है जी टू ओल एक्स दिया गया है इसलिए टी का मान के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव टी हो जाएगा टी का मान ठीक है एक पॉजिटिव टी और डी टी का डी टी ठीक है अब इसका करते हैं क्या एक पॉजिटिव एक्स समाकलन तो टी के सापेक्ष किया तो टी पॉजिटिव टी का स्क्वायर अपॉन दो लिमिट जीरो से एक्स ये बन जाएगा एक पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर अपॉन दो पॉजिटिव ये बन जाएगा ठीक है इसे हम इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे जी थ्री होल एक्स इसे इक्वेशन नंबर हम कह देंगे सिक्स ठीक है अब देखो ये एक पॉजिटिव एक्स अगला एक्स का स्क्वायर आ रहा है इससे अधिक करें तो भी हमें यहाँ पर देखो टू आ रहा है अभी इतने कॉमन से आपको पता नहीं यहाँ पर देखो दो आयोटा है यहाँ पर देखो वन आयोटा है और यदि आगे वाला याद करें तो थ्री आयोटा होगा ये अगले वाला पद याद करके दिखाता हूँ ठीक है अब हम बात करते हैं जी फोर अप्रोक्सीमेटेशन की इतने में तो हमें नहीं पता चला कि आयोटा का हो सकता है कि ये पद दो आयोटा हो सकता है यहाँ पर वन आयोटा हो सकता है पर यदि तीन आयोटा तक हो जाएगी तो हमें ये सीरीज प्राप्त हो जाएगी जी फोर होलक्स पुट किया एफ होलक्स पॉजिटिव लैम्डा समाकलन ए से बी में के होलक्स डैश टी इस समीकरण में हमने पुट किया तो जी फोर माइनस का एक बराबर थ्री होल टी डी टी ये आता है ठीक है अब क्या करती है क्या फोलक्स बराबर एक है लैम्डा बराबर एक है समाकलन इसका जीरो है बी का एक्स है केवल एक्स डैश टी बराबर एक है ये इसकी लिमिट रख दे पॉजिटिव एक्स का एक्स नहीं टी के क्यों यहाँ पर टी है ये हमारे एक्स के पद में एक पॉजिटिव टी और टी का स्क्वायर अपॉन दो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया और डी टी के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो एक पॉजिटिव यहाँ पर टी पॉजिटिव टी का स्क्वायर अपॉन दो पॉजिटिव अपॉन टी का क्यूब अपॉन दो अपॉन दो गुणा थ्री ये प्राप्त हो जाता है अब यहाँ से जीरो से एक्स है अब यहाँ पर इस लिमिट पुट करें तो एक पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव ये देखिए तो एक्स का स्क्वायर है नीचे वाला दो है अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर अपॉन दो आयोटा पॉजिटिव एक्स की क्यूब है और इससे भी हम लिख सकते हैं दो तीन और एक आगे एक मान लेते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला इसलिए थ्री आयोटा है ये वन आयोटा है इससे पता चल रहा है कि आयोटा वाला स्टेप प्राप्त हो रहा है इसमें साथ अब इसे लिख सकते डॉट 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 एंड सो ऑन इस प्रकार से सारे के सारे पद आएंगे ठीक है सो ऑन एंड सो ऑन ठीक है अब बात करते हैं इनके जी फोर एल की अब मान लो कि हमें जी एन है अब हम सीधा स्टेप बता सकते हैं जनरल फॉर्म के रूप में से जनरल फॉर्म के तरीके से हम क्या बता सकते हैं इसका सीधा स्टेप कि जी होना और एक्स का मान क्या होगा एक पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वन आयोटा पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर अपॉन टू आयोटा पॉजिटिव एक्स क्यूब अपॉन थ्री आयोटा इस प्रकार से प्राप्त होता है इसका सारा स्टेप ठीक है
अब बात करते हैं एक्सएन के लिए। एक्सएन ऐसे करते रहेगी तो एक्सएन माइनस एक के लिए क्या स्टेप होगा, एन माइनस एक अपॉन एन माइनस का एक आई बटा तक, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। क्योंकि जो अप्रोप ये जी है एन तक क्यों नहीं लिया, एन माइनस एक तक क्यों लिया हमने, क्यों इसलिए लिया कि जो हमने पीछे जो लिख दिया कि इतना इसमें देखो फोर के लिए कर रहे हैं थ्री तक किया रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या नाइन के लिए करेंगे तो क्या आएगा एन माइनस एक तक ही आएगा, था एक कम आएगा हमेशा, क्योंकि थ्री के लिए किया था तो टू आ रहे थे, फोर के लिए किया था थ्री आ रहा था, इसलिए एन के लिए किया था एन माइनस एक, एन माइनस एक आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है, पूरा अप्रोक्सीमेटेशन मिल गया है जी एन ओलेक्स का, अब द रिक्वायर्ड सोल्यूशन जी ओलेक्स का, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सोल्यूशन जी ओलेक्स इज गिवन बाय, उसे हम किस रूप में लिखेगी कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ना वो होता है जी ओलेक्स का, क्या होता है इसका एक फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडेस टू अनंत, एन अनंत की तरफ जा रहा है तो जी एन ओलेक्स कौन जा रहा है जी एन ओलेक्स की लिमिट यानी अनंत की ओर जा रही है, कितने भी पदे स्टेप हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका मान अनंत के लिए करें तो ये जो दिया गया गिवन है उसे किस प्रकार से लिखे जी ओलेक्स इसका सोल्यूशन करें, और जब लिमिट एन टेंडेस टू जी एन ओलेक्स की अनंत करें तो एक पॉजिटिव एक्स अपॉन वन आयोटा पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर अपॉन टू आयोटा पॉजिटिव एक्स क्यूब अपॉन थ्री आयोटा, और ये अनंत तक है इसलिए सो इनफाइनाइट, नहीं कि यहाँ पर रोग है ना वो एक्स पावर एन माइनस एक अनंत तक चला जाएगा, और ये देखो अनंत तक है चला गया, सीरीज के अनुसार अनंत तक हो गया। अब ये क्या हो गया, ये सीरीज हमें प्राप्त हो रही है, ये सीरीज किसकी है ई की पावर एक्स की, ई की पावर एक्स के जो एक्सपोनेंशियल सीरीज है ये पॉजिटिव एक्स अपॉन वन आयोटा पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर अपॉन टू आयोटा, ये सीरीज ई की पावर की एक्स की है, इस प्रकार से इसका आंसर है। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अपडेट मिलते रहे।